Hey friends, welcome to Veduk. I'm your science mentor. So today we are going to see the remaining portion of the chapter heating effect of electric current. So dear friends, in the previous video we learnt about magnetic effect of electric current and right hand thumb rule. So friends, in this part of the video let us learn about magnetic field produced by current through a circular loop of a conducting wire. Then we will see magnetic field due to a current in a solenoid. So let's get started. So first thing first, let us learn about magnetic field produced by current through a circular loop of a conducting wire. So let's bend a straight wire into a loop, and it does not change the magnetic line of force of the field produced by the current. So passing current through the loop creates magnetic lines of force at every point on the loop. ये आप आपके स्क्रीन पे एज अ डायग्राम आप देख रहे होंगे. द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटिंग द करंट विल एक्सपांड एंड इंक्रीज इन साइज एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम द वायर. एवरी पॉइंट ऑन द लूप जनरेट्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग पॉइंट पी एंड क्यू विच इज गिवन इन द फिगर. एडिशनली ईच पॉइंट ऑन द लूप क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप. डियर फ्रेंड्स, every point on the loop contributes magnetic lines of force to the center of the loop. हाँ dear friends, वहाँ पे हर एक point उस loop के ऊपर ये contribute करता है magnetic lines of force on the center of the loop. The magnetic lines of force at the center of the loop are all in the same direction. अगर आपने वो image observe की होगी तो जितने भी वहाँ पे magnetic lines of force है जो center से आते हैं वो एक ही direction में travel करते हैं. And the intensity of magnetic field at any point produced by a current flowing through wire depends on the current. हाँ, जो magnetic field की intensity है वो depend करता है कि current उसमें से जो flow हो रहा है उसकी intensity क्या है. ये हमने हमारे पिछले parts of the video में देखे थे कि जितनी high intensity current की रहेगी उतनी ही magnetic effect ज़्यादा बढ़ती रहेगी. If there are n turns in the loop, the magnetic field produced will be n times stronger than that of a single loop. हाँ, जितने turns वो loop में होते हैं उतने ही power का उतने ही multiplied by हमें stronger magnetic field भी मिलती है. So dear friends, let us learn about solenoid. So it is nothing but a copper wire with a resistive coating wound in a chain of loops which is our solenoid. Electric current passing through a solenoid generates magnetic lines of force in a specific pattern which is shown in the diagram given below. ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जो लूप है वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये बनाता है. सो अगर इस लूप को हम पर्टिकुलरली एक रेजिस्टिव कोटिंग वुंड इन चेन बना दे तो वो हमारा बन जाता है सोलेनॉइड. डियर फ्रेंड्स, बार मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम देयर नॉर्थ पोल टू देयर साउथ पोल. ये जो हमारे बार मैग्नेट्स होते हैं जो एक आपके चॉकलेट के समान दिखते हैं जिसमें मैग्नेटिक पावर होती है, उसमें के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये ट्रैवल करते हैं. द ओपन एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेटिक पोल्स विथ वन एंड बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एंड एज अ साउथ पोल. ये शायद तक से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मैग्नेट से खेल चुके होंगे. सो उसमें से एक जो एंड होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो रिमेनिंग एंड होता है वो उसका साउथ पोल होता है. इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू इच अदर. हाँ डियर फ्रेंड्स, जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर पैरेलल. बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, मीनिंग दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एवरीवेयर इनसाइड द सोलेनॉइड. सो जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सोलेनॉइड के अंदर वो हर जगह सेम होती है. लेट अस नाउ लर्न अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस लर्न दिस फ्रॉम अ एक्सपेरिमेंट. सो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट रिमेन्स स्ट्रेट विच इज पोजिशन ए जो आपको आपके डायग्राम में दिख रहा होगा. हाउएवर व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वायर बेंड्स एंड टेक्स पोजिशन सी. By reversing the current direction, it makes the wire bend into position B, indicating that the force on the wire is perpendicular to both the magnetic field and the current. हाँ, आपको ये आपके डायग्राम में दिख रहा होगा
जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर विच इज़ गोइंग इनसाइड द पेपर, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो इंटरसेक्ट भी नहीं करते, वो नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रैवल करते हैं और वो पैरेलल होते हैं और उनकी इंटेंसिटी भी सेम होती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अ फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द कंडक्टर रिवर्सिंग द करंट डिरेक्शन रिवर्सेज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। इट इज़ ऑब्वियस अगर हमने करंट की डिरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो जो फोर्स होता है कंडक्टर के ऊपर वो भी रिवर्स हो जाता है। सो रिवर्सिंग द मैग्नेट्स ओरिएंटेशन ऑल्सो रिवर्स द फोर्स ऑफ द कंडक्टर। तो जो आपका नॉर्थ पोल है और जो आपका साउथ पोल है अगर ये हमने मैग्नेट को पलटा दिया, द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अ फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर द डिरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ द करंट डिरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड डिरेक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, here we have completed another part of the video. So in the next video we will learn about Fleming's left hand rule, electric motor and electromagnetic induction. So once again I will insist you to observe the things in your surrounding so that your concepts will get clear, that too very easily. So I once again insist you to go through from all the notes and PDFs available by us to you. Let's meet in the next part of the video. Till then, happy learning.